क्रिस्टोफर नोलन और सीलियन मर्फी की ओपेनहाइमर ने 96 एकेडमी पुरस्कार में 7 ऑस्कर जीते हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो अब ये OTT रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज जियो सिनेमा ने ऑस्कर जीत के लिए ओपेनहाइमर को बधाई दी और अपनी OTT रिलीज की अनाउंसमेंट भी कर दी है। फिल्म को 96 एकेडमी पुरस्कार के लिए 13 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट अभिनेता और बेस्ट सहायक अभिनेता सहित कई अवार्ड अपने नाम किया। ओपेनहाइमर न केवल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी बल्कि क्रिटिक्स की भी पसंदीदा थी। क्रिस्टोफर नोलन की ओर से निर्देशित और सीलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, मैट एडमंड, रॉबर्ट डाउनी जूनियर स्टार ओपेनहाइमर 21 मार्च को हिंदी और अंग्रेजी में जियो सिनेमा पर प्रीमियर के लिए तैयार है। यह थ्रिलर प्रतिभाशाली अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ओपेनहाइमर की असाधारण यात्रा का वर्णन करता है, जिन्हें अक्सर परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।